time understanding what case is. So Hardik, that depends. Actually, towards the end, ना एक बार पूछ ले तो chapter पे chapter एक बार थोड़ा और सोच के मुझे answer करना पड़ेगा, ठीक है? Depending on your specific condition. Just remind me towards the end. All right. So we have understood phase. You all understand ki phase है ना? Just to recollect, you remember ki in an SHM, जब particle mean position पे होता है, positive x की तरफ जा रहा है, zero phase. एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया तो पाई बाय टू, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हुआ. फिर वापस जीरो पे आया तो पाई फेस, है ना? ओह मैन, समबडी हैड कोविड प्राइमरी स्टेज. आई होप यू डूइंग बेटर, डोंट वरी अबाउट लेक्चर्स एंड ऑल नाउ, बट आर यू डूइंग बेटर? यू ऑलवेज कवर अप. ऑलराइट, गुड, कूल. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू कैन टुडे, देन डू वॉच द रिकॉर्डिंग्स दैट आर अपलोडेड. ठीक है, let me know if you don't understand anything. All right, phase today, just try how much ever you can, okay? Baki then you can just take some time, rest, and watch the recordings of the previous two lectures, whatever you missed. 3π/2 means it reaches the negative extreme, and then 2π again, it's back at the beginning. So now back at the mean position. So फेज वैसे समझ में आ गया, बट अ लिटिल बिट मोर प्रैक्टिस वुड बी नीडेड टू एक्चुअली फाइंड फेज इन मोर प्रैक्टिकल सिचुएशंस. जैसे मैं सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? सो एग्जांपल है कि एक्स इज गिवन टू मी एज माइनस ए बाय टू. ए इज ऑफ कोर्स आर एम्पलीट्यूड. तो एक्स इज गिवन टू मी एज माइनस ए बाय टू एंड वेलोसिटी इज गिवन एज पॉजिटिव. एंड ये सब ऐसे इंफॉर्मेशन से हमें फेज निकालना है. ओके, सो द वे वी डू दिस इज, आई मीन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मेथड्स. आई फाउंड दैट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस मेथड क्वाइट इजीली बिकॉज एवरीवन नोज अ साइन ग्राफ. ठीक है, सो दिस मेथड इज जस्ट गोइंग टू मेक यूज ऑफ अ साइन ग्राफ. नाउ द फर्स्ट स्टेप आई वुड सजेस्ट इज फर्स्ट फाइंड एन अक्यूट एंगल सोल्यूशन ऑफ फेज फॉर द इक्वेशन. यस, लास्ट क्लास वी एंडेड एट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, उससे मैं अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ. वी आर प्रोसीडिंग फर्दर, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड फेस. सो वी आर हैविंग अ लुक एट सम क्वेश्चंस वेयर वी विल ट्राई टू फाइंड फेस. ओके, सो एक्स इज माइनस ए बाई टू, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, इतना दिया है. सवाल है फाइंड एन अक्यूट एंगल सोल्यूशन ऑफ फेस फॉर दिस इक्वेजन. आई एक्सप्लेन व्हाट दैट मीन्स, जस्ट कॉपी दिस. Find an acute solution of phase for this equation, ignoring any negative signs if needed for this. Okay, तो मतलब ये जो equation है ना, ये equation का minus sign ignore करके, yes Gaurav, equation का minus sign ignore करके हम देखेंगे कि कुछ acute angle solution पता है क्या for x equal to a by 2. ठीक है? Yes guys, this is the first page. टाइम पे, हाँ, फर्स्ट पेज, टाइम पीरियड के बाद फर्स्ट पेज, जस्ट कॉपी इट क्विकली. ओके, वी आर लर्निंग हाउ टू फाइंड फेज. फर्स्ट स्टेप इज फाइंड एन अक्यूट सॉल्यूशन ऑफ फेज फॉर दिस इक्वेशन, एंड इन दिस वील इग्नोर एनी माइनस साइंस इफ प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन व्हाट दैट मीन्स. द सेकेंड स्टेप इज फाइंड द क्वाड्रेंट फेज लाइज इन, फाइंड द क्वाड्रेंट फेज लाइज इन by looking at the x equal to a sine phase graph. ये भी मैं समझा दूंगा. So I'm going to apply this for this question and explain to you, है ना, how what I mean by these two steps. Okay? So once you understand that, whenever you revise these steps, you'll know what I mean. Just copy it for now, and let me know if you're done with this page. Okay, anyone saying wait? Yeah. Bolo, theek hai, kar lo, kar lo.
शुभम सही है, तूने ये फाउंड दी, थिंक यू फाउंड दी अक्यूट एंगल सॉल्यूशन। तो स्टेप वन तूने किया है। पृथ्वी और राइट, इट कैन बी वन ऑफ द टू, बट देन वी हैव टू नैरो इट डाउन टू वन। ऑलराइट, सो द आइडिया इज एक्स इक्वल टू ए साइन फेज इज माइनस ए बाई टू। नाउ ऑफकोर्स यू हैव डन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेजन आई एम गेसिंग इन मैथ्स, सो वेन यू सी एन इक्वेजन लाइक दिस यू नो वॉट द सोल्यूशन कैन बी, है ना। दिस अ ब्रीफ, जस्ट अ ब्रीफ रिविजन ऑफ दैट। यू नो कि एक्स इक्वल टू ए साइन फेज, वेन आई से एक्स इज ए साइन फेज एंड आई एम ऑल्सो सेइंग एक्स इज माइनस ए बाई टू, इन अदर वर्ड्स ए काट के मुझे इक्वेजन ये मिल रहा है। यू नो कि जीरो से 360 डिग्रीज में इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकता है, हां। सो इन फैक्ट वी आर गोइंग टू कीप इट बिटवीन 0 एंड 360 बिकॉज़ वी नो एवरीथिंग एल्स इज अ रेपिटिशन। तो 0 एंड 360 या 0 एंड 2 पाई के बीच में रखेंगे, व्हाटएवर यू आर मोर कंफर्टेबल विद। ठीक है, इफ यू आर समवन हु थिंक्स ओनली इन, इफ यू आर समवन हु थिंक्स मेनली इन डिग्रीज, देन गो अहेड एंड थिंक इन डिग्रीज। यू डोंट नीड टू force yourself to only think in radians. Think, you want, you think in degrees, finally you can report your answer in radians if needed. So sine phase equal to minus half, if you want to know where the roots for that lie, the simple suggestion is find an acute solution for the same equation if there was no minus sign. So sine phase equal to minus half chhod do, sine phase equal to half ka kya solution hai? Wo bhi acute wala. तो तुम्हें पता है कि है ना, फेज इज, व्हेन फेज इज 30 डिग्रीज साइन 30 विल बी हाफ। सो आई नो वन अक्यूट सॉल्यूशन। नाउ द वे द साइन ग्राफ वर्क्स बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, जीरो के जितना आगे हाफ आएगा एक और जगह पे हाफ आएगा, और वो किधर होगा, 180 से उतना ही पीछे। तो जीरो से कितना आगे हाफ आ रहा है, 30 डिग्री आगे हाफ आ रहा है 30 डिग्री पे, तो 180 से 30 डिग्री पीछे 150 degrees पे भी साइन हाफ का वैल्यू लेगा। सो 30 एंड 150 आर टू सॉल्यूशंस ऑफ साइन फेज इक्वल टू हाफ। व्हाट अबाउट साइन फेज इक्वल टू माइनस हाफ? सो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी द ग्राफ इज नेगेटिव, बट सेम सिमेट्री के कारण जैसा 180 से 30 डिग्री पीछे हाफ आता है, वैसा ही 180 से 30 डिग्री आगे माइनस हाफ आता है, एंड 360 से 30 डिग्री पीछे माइनस हाफ आता है। सो साइन फेज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ का चार रूट होता है, एंड आई होप एवरीवन नोस हाउ टू फाइंड इट। द फोर रूट्स फॉर साइन फेज बीइंग प्लस माइनस हाफ आर 30, 150, 210, 330। ठीक है, व्हिच एवर यू आर मोर कंफर्टेबल डिग्रीज और रेडियंस, मेक श्योर यू नो हाउ टू फाइंड दोस फोर रूट्स, वन रूट इन ईच क्वाड्रेंट। मैंने बस अक्यूट वाला निकालने को पहले बोला, बिकॉज वंस यू हैव दैट देन यू कैन इजिली, having figured out the quadrant, you can easily figure out the other roots. Okay? Yeah, and 0 to 2 pi ke beech mein, 0 to 2 pi ke beech mein hi rakho. Aisa rule nahi hai. But then the rest is just a repetition, no? Like 390 degrees is a fancy way of implying 30 degrees. So we don't want to be fancy and we don't want to confuse ourselves. So 0 to 360 as much as required, possible, and unless really required, stay within that range. Okay. Yes, Prithvi. Topic name is and for someone else, topic name is finding phase. Okay. Now, yahan pe quadrant kaise figure out karna hai? In char mein se kaun sa answer hai? So just see. Do cheez tumhe pata hai x aur velocity ke baare mein. X negative hai. X was minus a by 2. X negative hai. Velocity positive hai. X नेगेटिव है, वो ग्राफ से पता है कैसा दिखता है? Wherever the graph is below the axis, X is negative. This is an X graph. X is a sine phase. So when sine phase is positive, X is positive. When sine phase is negative, X is negative. All right. So when the graph is below the axis, X is negative. Graph is above the axis, X is positive. So when X is negative, there are two quadrants for which sine is negative, third and fourth. Two quadrants for which sine is negative. Hai na? So third and fourth. So answer could have either been 210 or it could have been 330.
Yeah, I think somebody said 300. I'm sorry if I said agreed to 300. It's either 210 or 330. Okay, one of these two. Now, velocity. A velocity ka equation, if you remember, this is a cos graph. A omega cos phase. अब वेलोसिटी का पॉजिटिव है, इसको निकालने के बहुत तरीके हैं. चाहिए तो कॉस ग्राफ बना सकते हो और देख सकते हो कॉस ग्राफ का पॉजिटिव होता है, विच आई वुडंट सजेस्ट. यू कैन डू इट विदाउट दैट एज वेल. फॉर इंस्टेंस एवरीवन एनीवेज नोस की फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव. सो एक तो वैसे भी सोच सकते हो कि अरे कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव हो सकता है. And thereby you pick this result. एक तो वैसा है, ठीक है? You can just recollect what you anyways know. Cos is positive in the fourth quadrant. You can pick the correct result. Associate this is cos. Otherwise, even if you don't do that, ये graph सब कुछ बताता है. So if you look at this graph, anything in the first quadrant, if you look at the first and the fourth quadrant, यहाँ पे sine का derivative positive है. Yes, Parth, yes. So in the first and the fourth quadrant, sine ka derivative positive hai. Okay? Sine ka derivative positive hai. And therefore, this graph is also increasing. Sine ka derivative is, by the way, is cos. So velocity is positive, cos is positive. Matlab sine ka derivative is positive. Matlab graph increasing dikhna chahiye. Jahan pe bhi graph increasing dikh raha hai, matlab wahan pe velocity positive hai. Jahan pe bhi graph decreasing dikh raha hai, wahan pe velocity negative hai. और थोड़ा समझ भी लो, यहाँ का सोल्यूशन मतलब पार्टिकल आगे बढ़ के कहाँ जाएगा? पार्टिकल नेगेटिव साइड पे है. एक्स इज नेगेटिव, ओके, एक्स इज माइनस हाफ. बट इन सम टाइम द पार्टिकल एज इट कंटिन्यूज मूविंग अहेड, द पार्टिकल इज गोइंग टू रीच द ओरिजिन. इट्स मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. व्हेन ओवर हियर द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम. है ना, जस्ट सी वेयर द ग्राफ प्रोसीड्स. व्हेन ओवर हियर पार्टिकल इज स्टिल मूविंग टुवर्ड्स अ नेगेटिव एक्सट्रीम. व्हेन ओवर हियर पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एक्सट्रीम. सो वेयर एवर द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, वहां पे वेलोसिटी इज पॉजिटिव. वेयर एवर द ग्राफ इज डिक्रीजिंग, वहां पे वेलोसिटी इज नेगेटिव. सो बिकॉज एक्स इज नेगेटिव एंड वेलोसिटी इज पॉजिटिव, आवर आंसर इज 330 डिग्रीज. एक्स नेगेटिव, third and fourth quadrant, velocity positive, then narrows it to the fourth quadrant. So answer is 330 degrees. 330 degrees is your phase, and you can express that in radians as well. Okay, 330 was 360 minus 30. So this is 2 pi minus pi by 6. Yeah, so between 270 and 360, x is going to be negative. And velocity is going to be positive. Any doubts? We'll do more examples. This is a very crucial concept, especially for all of waves which will follow SHM. So make sure you're understanding this. We'll do some more examples as well. How did I figure out the quadrants? एक क्लास में रिपीट करता हूँ. देखो सिंपल है, x ना, ये x का ग्राफ है. साइन फेज मतलब x का ग्राफ जैसे ही मान लो. तो पहली बात ये है, x पॉजिटिव कब है? जब ग्राफ एक्सिस के ऊपर है. x नेगेटिव कब है? जब ग्राफ एक्सिस के नीचे है. सबको वो समझ में आ गया? सो x नेगेटिव ऑटोमेटिकली इंप्लाइज आइदर, फॉर दिस केस इट इंप्लाइज आइदर 210 और 330 could have been the answer. And had x been positive, a by 2, either 30 or 150 could have been the answer. I hope you know that. Okay? Phir dusri baat hai, velocity ka sign. Velocity ka sign, once you know x is negative, you've narrowed it down to this. So velocity ka sign dekhne ke liye, dekho aage x ke saath kya hone wala hai. As time proceeds, phase also proceeds. So as phase increases, x ke saath kya hoga? Ye kahan jayega? Ye wala dekho, ye kahan ja raha hai? Ye to मीन पोजीशन तक जा रहा है, पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है. मतलब इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है. यू गेटिंग इट? ये बंदा कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है. इसका आगे आगे बढ़ रहा है, एक्स और बढ़ेगा, है ना, हाफ से वन की तरफ जा रहा है साइन फेज. तो एक्स और बढ़ते जाएगा, ए बाई टू से ए जाएगा. तो वेलोसिटी पॉजिटिव है.
Yes, I'll show the previous page after this. But is everyone getting this? And so positive ke liye, it's one of these quadrants where the graph is increasing. Increasing graph. Right? You've learned monotonicity. Increasing graph, matlab, velocity positive hai. Velocity is the derivative of x. Decreasing graph, matlab, velocity negative hai. Because velocity is the derivative of x. Okay, cool. चलो तो ये पेज अगर हो गया है, कोई वेट बोल नहीं रहा है, तो आई जस्ट हाँ ठीक है लिख लो. हाँ, वन ऑफ यू सेइंग सर कैन वी गेट टू नो अबाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस ग्राफ. वेरी नाइस, यू कैन गेट टू नो अबाउट एक्सेलरेशन. सो एक्चुअली ये जो ग्राफ है ना, डाउन, एक ऐसा डाउनवर्ड कर्विंग ग्राफ, अ ग्राफ विच कीप्स टर्निंग डाउनवर्ड वेयर द स्लोप कीप्स डिक्रीजिंग. यहाँ पे मैक्सिमा भी दिख रहा है, सो कुछ याद आ रहा होगा. फॉर दिस रीजन वेयर द ग्राफ इज टर्निंग डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. सो व्हेन द ग्राफ टर्न्स डाउनवर्ड्स, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है. व्हेन द ग्राफ टर्न्स अपवर्ड्स, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है. These have some names, concave up, concave down. But the best way to remember is when the graph is, a simple way to remember is when the graph turns downwards, double derivative is negative. When it turns upwards, double derivative is positive. So, yahan pe acceleration negative hoga, yahan pe acceleration positive hoga. Ye maine calculus ke hisab se bataya. Tumhe wo bhi karne ka zarurat nahi hai. Kyun? Acceleration is minus omega square x. Acceleration is minus omega square x. So when x is positive, acceleration is negative. When x is negative, acceleration is positive. Okay? Acceleration will always have the opposite sign as that of x. Okay? Cool? And 210 pe koi, 210 pe, well, x kam ho raha hai. x खुद कम हो रहा है, तो x का डेरिवेटिव नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है. एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे, एक्सेलरेशन के लिए कर्वेचर देखेंगे. ओके, कॉनकेविटी देखेंगे. ऑलराइट, या जल्दी यार, जिनको ये देखना था जल्दी देख के बता दो अगर हो गया तो. Yeah, when graph is below x, x is negative, and y is going to, acceleration is going to be positive. Yes, when graph is below the x-axis, position will be negative and acceleration will be positive. Okay? Acceleration ka sign, itna hi bola tha, acceleration ka sign, x ka sign ko opposite hai. So x jab positive hai, acceleration negative hai. Waisa dekho, x jab positive hai, acceleration negative hai. Oh, one of you saying, sir, can I list the chapters? Can you list the chapters which can have SHM based questions? That's almost that's a big list. So electrostatics mein ho sakta hai, magnetism, lagbhag bahut kuch mein ho sakta hai. Even in gravitation mein bhi ho sakta hai. So as we, in fact, let me do this. Okay? Let us finish a few more lectures. Then when you'll be solving your HCV, you'll see, as you're attempting SHM, you'll have questions from rotational mechanics. You'll have questions involving gravitation. Then certain other places, in certain latter chapters of HCV, you'll see questions of SHM there. So it honestly could be applied anywhere. Underlying equation is force should be proportional to x and should be restoring. And as we'll see in this chapter, there are many cases where force can be proportional to x. That's a good question, but I think by the time we are reaching the end of this chapter, you yourself will have an idea of kidhar kidhar SHM aa sakta. You learn to look for SHM in questions.
ये चलो ये चार जल्दी अटेम्प्ट कर लो। जस्ट क्विकली नोट डाउन द क्वेश्चंस फर्स्ट, ओके? सो व्हेन आई वांट टू स्टार्ट डिस्कसिंग सॉल्यूशंस वन बाय वन, आई डोंट हैव टू कीप कमिंग बैक टू दिस पेज। जस्ट क्विकली जॉट डाउन द क्वेश्चंस एंड देन अटेम्प्ट कर लो। या हु इज दैट? सही है, कौन है? हार्दिक, गुड। परफेक्ट, हार्दिक सही है, दूसरा भी सही है। It's like that, once you get it, you just get everything. Sorry, 30, 5, 5 by 6, 60, all these are wrong. Sanika, sahi hai. फाइव फाइव बाई सिक्स गलत है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सॉरी सायराम, प्रत्याशा, योर आंसर्स आर करेक्ट। फाइव फाइव बाई सिक्स सही है, आई एम सॉरी। सानिध्य सही है, श्रेया गुड, थर्टी इज रॉन्ग फॉर द फर्स्ट एंड सायराम दैट इज करेक्ट। सानिका सेकेंड वन इज रॉन्ग, गौरव करेक्ट। गौरव दैट्स करेक्ट, रुद्रा दैट्स करेक्ट। थ्री एंड फोर थोड़ा और इंटरेस्टिंग, आई एम मेकिंग यू नाउ थिंक, ट्राई टू अप्लाई स्टफ यू नो। थ्री एंड फोर आर लिटिल इंटरेस्टिंग। यश सही है, सानिध्य सही है, ओके। थर्ड का आंसर एक पड़ा, जस्ट लेट मी जस्ट चेक। थर्ड का सम्यक, दैट्स नॉट करेक्ट। थर्ड का एंड हार्दिक, नॉट श्योर आई गॉट व्हाट यू सेड। वी डू वो लाइन के आगे क्या लिखा, आई एम नॉट श्योर। टू टेन इज रॉन्ग। थर्ड का 240 is wrong. Samyak sahi hai third ke liye. I hope I'm pronouncing your name right. Pratyasha sahi hai. Okay, answers are coming too fast for me to process. Just cross check if these answers are right. So first one, 150 degrees. Second one, 240 degrees. Third one, I'll just check again. Yeah, this is 300. And this fourth one.
This is 210. Third one is 210. In the third one, what is the A is 3 meters. Capital A is 3 meters. Discuss kare. So I hope you have the questions noted. At least I'll start with the first two. Those who want to continue trying 3 and 4, you can try. Those who didn't get first two, unke liye ek baar bata deta hu. So, wo ye hai, x equal to a by 2 diya hai. है ना, अगर नेगेटिव साइन होता है तो उसको इग्नोर कर लो और इसका एक सोल्यूशन निकाल दो. ए हटा के जो नंबर दिखता है ना, थिंक ऑफ अ सोल्यूशन फॉर साइन फेज बीइंग इक्वल टू दैट नंबर. लाइक इन दिस केस साइन फेज हैज टू बी हाफ. साइन हाफ कब होगा? 30 डिग्री पे होगा. तो वो हो गया अक्यूट सोल्यूशन. बाकी क्वाड्रेंट निकालो, देन यू कैन एडजस्ट योर सोल्यूशन. ठीक है, 30 डिग्री के टाइप का है, ऐसे बोलेंगे 30 डिग्री के टाइप का है, बट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है. तो x a by 2 है, मतलब x पॉजिटिव है, बट वेलोसिटी दिया था सवाल में नेगेटिव. यानी कि x पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक एन x ग्राफ. तो वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड द ग्राफ इज डिक्रीजिंग. डेरिवेटिव नेगेटिव कब होता है? व्हेन इज डिक्रीजिंग. दिस इज वेयर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी नेगेटिव व्हाइल x इज पॉजिटिव. आंसर हो गया इसका 150 डिग्रीज. कैसे? जितना 0 से 30 आगे है उतना सिमेट्री से 180 से 30 पीछे पे 150 डिग्रीज मिलेगा. इट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट वन. इफ एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. द अदर वन, -√3a/2. अगेन द इक्वेशन यू विल ऑलवेज कंपेयर दिस विद इज ए साइन फेज. एक्स इज ए साइन फेज, सो यू नीड टू थिंक साइन थीटा रूट थ्री बाई टू का शेप कब लेगा. इग्नोर द माइनस साइन. रूट थ्री बाई टू कब लेगा? अक्यूट सोल्यूशन निकालो. तो रूट थ्री बाई टू तो एटलीस्ट आई नो कि 60 डिग्रीज पे अटेन करेगा रूट थ्री बाई टू. ओके, नाउ वी विल पुट द माइनस साइन एंड ऑल. फिलहाल रूट थ्री बाई टू तो 60 पे आ रहा है. अब अगर वही वैल्यू का नेगेटिव एक्स चाहिए और वही वैल्यू के लिए नेगेटिव वेलोसिटी वाला चाहिए, देन नेगेटिव एक्स मीन्स थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट. उसमें नेगेटिव वेलोसिटी डिक्रीजिंग ग्राफ मींस थर्ड क्वाड्रेंट. सो 0 से जितना आगे 60 डिग्रीज है, 180 से उतना आगे ये वाला सॉल्यूशन आएगा. तो 180 से 60 डिग्रीज आगे 240 डिग्रीज पे यू विल गेट एक्स इज नेगेटिव एंड वेलोसिटी आल्सो एज नेगेटिव. 240 डिग्रीज इज द आंसर फॉर द सेकंड वन. इन अच्छा थर्ड का क्या था? हाँ 300 ही था. हाँ सेकंड वाले में क्या, एक मिनट. इफ 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 वी इज ग्रेटर देन 0 देन 300 शुड बी द आंसर. यू आर सेइंग एब्सोल्युटली. हाँ इफ वी इज ग्रेटर देन 0 300 शुड बी द आंसर. इफ वी वाज पॉजिटिव एंड एक्स वाज नेगेटिव इट वुड हैव बीन दिस सॉल्यूशन. You're getting it now. If x is positive, v is negative, it's this solution. Okay. I'm sorry, anyone needed this? Okay, I'll wait. Third, fourth, guys who are doing that, you have a chance to get it. If anyone got the fourth one, let me know that you got 210. Okay, nice. Okay, now you're saying done for this. Cool, nice. Adik, nice. Sanidhya, nice. Yes, of course not. X less than 0 does not imply displacement is decreasing.
x talks about where it is now, what the displacement is now. If x is negative, it is just telling you ki particle negative side pe hai, negative x ki taraf hai. That's it. It can't talk about its change. What can talk about its change is velocity. If it's moving towards positive x, velocity is positive. X is increasing. It's moving further towards negative x, velocity is negative, x is decreasing. See? Increasing, decreasing, velocity ko affect karta hai, x ko nahi. X is current state. Good, Pratyasha. The third one mein maine kya diya, thoda change kiya, jyada complex nahi hai. Third one mein, I didn't maybe directly give you, thoda isme velocity aa gaya. So amplitude is 3, omega is 10, velocity is 15. Now, when you see these equations, ab x ka kuch diya nahi hai, x is just inequality hai. I have v a omega and I need to find phase. So as in any question, make a list of what is given and what you need to find and think of an equation which involves all of them. So what is an equation which involves all of them? All right, so an equation which involves all of them is V is A omega cos phase. V is A omega cos phase. Iska ek acute solution nikal do. Baad mein quadrant bita denge. Okay, now acute solution hai. Velocity ke liye 15. Acceleration ke liye, amplitude ke liye 3. Omega ke liye 10. And then you have cos phase. So then 15 is 30 cos phase, implying cos phase is half. Now, don't worry too much about trigonometry. Don't worry about the cos wala graph. I would just say, if you can, looking at this, if you can pick an acute solution, pick that and keep. What is our acute solution? Jiska cos half hoga. 60 degrees. Cos 60 degrees half hoga. Ab, exact quadrant fit karne ke liye, hai na, tum cos graph use kar sakte ho, x graph bhi dekh sakte ho. But the point is, हमें x graph से सब कुछ दिखता है, so you don't need to worry about the cos graph. Don't draw a cos graph just because you're working with velocity. In that x wala graph, in the sine graph, as we saw, we can see x and velocity at the same time. We can see when x and velocity are positive or negative. सब दिखता है, है ना? So we'll stick with the sine graph. Use this equation to get an acute angle solution. वो सोल्यूशन किस क्वाड्रेंट में ढूंढना है वो तुम्हारे साइन ग्राफ से ही निकालो. दैट्स माय सजेशन, बिकॉज़ वी आर ऑल एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल विद द साइन ग्राफ. वी कैन इवन पिक्चर इट मेंटली क्वाइट इजीली एंड यू नो यू विल ग्रो आल्सो विद टाइम. सो यूज योर साइन ग्राफ एंड सिंपली थिंक. अच्छा, 60 डिग्रीज वेलोसिटी पॉजिटिव है, दिस इज द साइन ग्राफ. वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब इट्स आइदर द फर्स्ट क्वाड्रेंट or the fourth quadrant, na? Increasing function. But yahan pe kya hai? X negative hai. So it's below the axis. Below the axis and increasing. Answer is fourth quadrant. Below the axis, increasing, fourth quadrant. So 60 degree aage ek solution milta hai, waise hi 360 se 60 degree peeche ek solution milega. That solution will be 300 degrees. That is the solution in our desired quadrant. So 300 degrees is our answer. Okay. So aur kya bolenge? 11 nahi, yeah? 5π/6. Absolutely. He's saying, sir, can we say that omega is always positive? Yes. Yes, 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 yes. Ye hai omega ka definition. It's always positive. Time period 2π/ω, negative time period makes no sense. So omega is always positive, amplitude always positive, capital K always positive, time period frequency all always positive. थर्ड वाला हो गया क्या, बता दो. डी कोई बोल रहा है डी फाइव कैन बी नेगेटिव.
So D5 depends, but yeah, honestly, at least in SHM, so D5 भी context पे depend करता है ना. So at least in an SHM, D5 is omega DT. D5 is omega DT. So omega positive होता है, and if you are going ahead in time like a normal human being, so then change in phase is also positive. अगर टाइम आगे बढ़ता है तो फेज बढ़ता है. वो भी विजुलाइज करने में, जस्ट पिक्चर दैट, ऑलवेज विजुलाइज योर पार्टिकल मूविंग इन दैट डायरेक्शन. फेज इज ऑलवेज इंक्रीजिंग विद टाइम. ओके, एंड ये पेज का हो गया. डाउट्स कोई क्या बोल रहा है? के इज दिस इक्वेशन, एफ इज माइनस के एक्स, तो के इज योर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट. फोर्स SHM के लिए जरूरी होता है कि सिर्फ स्प्रिंग होना जरूरी नहीं है. कभी कभी बिना स्प्रिंग भी वो SHM करेगा. तब एटलीस्ट ये क्राइटेरिया मीट होगा कि फोर्स x के प्रोपोर्शनल है, सो दैट कॉन्स्टेंट विल बी k. सो वील सी दैट आगे और समझ में आएगा k. फिलहाल इट्स द कॉन्स्टेंट इन f इक्वल टू माइनस के एक्स. Okay, this fourth one is a little interesting. Good job, all those who got this. If you again analyze the variables, kabhi if you have no clue what to do, don't stare at symbols. Think, kya variables ke saath khelna hai? In variables ke saath, acceleration, amplitude, time period, phase, kuch direct formula nahi hai inka. But itna to phase se yaad aa raha hai ki acceleration ka ye formula hai. Phase aur amplitude se at least yaad aana chahiye, acceleration ka ye formula hai. Then you see, अरे ओमेगा स्क्वायर नहीं दिया है, टाइम पीरियड दिया है, बट ऑफकोर्स यार टाइम पीरियड डायरेक्टली रिलेट्स टू ओमेगा. ओमेगा इज 2π बाय टाइम पीरियड, सो ऑलमोस्ट विदाउट एनी एफर्ट यू कैन फाइंड आउट ओमेगा फ्रॉम दैट टाइम पीरियड इंफॉर्मेशन. नो वरीज पार्क. तो ओमेगा इज 2π/π, ओमेगा इज 2 radians. ठीक है, ओमेगा आ गया. नाउ आई हैव एवरीथिंग फॉर दिस इक्वेशन एक्सेप्ट फेस. Let's substitute. Let's see क्या आएगा. तो acceleration डाल दिया 6, amplitude डाल दिया 3, omega डाल दिया 2, उसका square, don't forget acceleration is minus a omega square sine phase, it's in fact minus omega square x. ठीक है, 6 is minus 3 omega square sine phase. यहां से sine phase आ रहा है minus half, sine phase is minus. Okay, now acute solution. Again, forget ki ye acceleration ka graph hai. Do you really want to twist your brain and you know think like this from looking at a minus sign graph? Not really. Make your life a little easy. You can do that also. It's not very complex, but simple. Sine phase into is minus half. Minus sign ignore karo. Acute solution nikalo. Kya hai acute solution? If you ignore the minus sign, 30 degree. 30 डिग्री के साथ ही खेलना है. आइदर 30 और 180 माइनस 30, 180 प्लस 30, 360 माइनस 30, समथिंग लाइक दैट इज आवर सॉल्यूशन. ओके, नाउ व्हाट इज आवर सॉल्यूशन फॉर दैट? केयरफुली देख लो. वेलोसिटी दिया है नेगेटिव, एक्सेलरेशन है ना 6 दिया है, मतलब दैट्स पॉजिटिव, इट्स नॉट नेगेटिव 6. तो एक्सेलरेशन दिया है पॉजिटिव, but don't try to find acceleration in this graph unless you're very good at calculus or dikhta hai tumhe directly kab positive hai. Rather think this way, acceleration positive hai to x negative hai, a is minus omega square x, and if you know velocity and x, you know the quadrant, so just acceleration se x nikal do. A positive hai to x negative hai, velocity negative hai, x negative hai. X negative ke liye ye do hai, we have been doing this all night. X negative के लिए third and fourth, velocity negative के लिए decrease in third quadrant. So third quadrant वाला answer is our answer. कैसे 210 निकाला? Third quadrant निकलने के बाद 180 plus, जैसे 0 से 30 degree आगे acute solution आया, 180 से 30 degree आगे 210 degree real solution आ जाएगा. How did I get x is negative? Very simple. A is minus omega square x. A and x are always of opposite signs.
फोर्स इज ऑलवेज रिस्टोरिंग. ठीक है, एक्स नेगेटिव गया तो एक्सेलरेशन उसको वापस पॉजिटिव साइड की तरफ लाने की कोशिश करेगा एंड वाइस वर्सा. फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट एक्स. फोर्स ऑपोजिट एक्स तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ऑपोजिट एक्स. कूल, गुड, या गुड. सो देन आर यू गाइस, वंस यू डन कॉपिंग दिस, आर यू रेडी फॉर slightly better question involving time as well? I'll wait. Likho, doubt hai to doubt poocho. Whoever said wait, you say done when you're done. Phase constant. Finally, we come to this thing that was terrorizing some people. I can't understand this equation till I know what this is. You'll see how simple this thing is. So, phase constant ka zyada kuch aisa kuch mushkil kuch hai nahi. Na hi zyada importance hai. It's just the phase at t equal to zero. Ye aaya kahan se? फेस इज ओमेगा टी प्लस डेल्टा. जब टी को जीरो डालोगे फेस इज डेल्टा. उतना ही है फेस कॉन्स्टेंट. तो फेस कॉन्स्टेंट यानी कि डेल्टा इज जस्ट बेसिकली लाइक द स्टार्टिंग फेस, है ना. तो जैसे अगर पिछले क्वेश्चन में व्हिच इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई डिड, आई सेड एक्स इज माइनस ए बाय टू. एंड ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है. डोंट स्टार्ट सॉल्विंग दिस अगेन. एंड वेलोसिटी है नेगेटिव ना, नहीं वेलोसिटी है पॉजिटिव. इसका आंसर आया था 330 degrees, है ना. तो फेज कॉन्स्टेंट विल बी थ्री. इफ आई टेल यू द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, तभी सवाल में ऐसा रहेगा. पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम सो एंड सो वैल्यू, मूविंग इन सो एंड सो डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन. तो वहां से यू कैन कम टू नो द स्टार्टिंग फेज. स्टार्टिंग फेज इज फेज कॉन्स्टेंट. Again, the starting phase is phase constant. Phase at t equal to zero is your phase constant. Yes, Yash, in a way, yes, yes. Today's class is till 9. Let's not debate about that. So here, if they ask us to find delta, then we could just equate 30 degrees to omega t plus delta. It depends on the time as well. Like, they cannot ask you to find delta unless they mention when, at what instant of time is the particle having that phase. Like, na, agar particle ka phase hai 11 pi by 6, you can't find delta without telling time. तो अगर बता दिया कि t equal to 1 second पे 11 pi by 6 phase है, omega है 2 pi radians per second, तो वहां से you can find delta. Then you can find delta. So to find delta, you need the rest. Normally delta is best understood as the phase when t0. So t0 डाल दिया तो omega सब game से हट गया.
अच्छा ये तुम प्रीवियस क्वेश्चन का बात कर रहे हो. ओके एक बार बिफोर दैट, व्हेन पार्टिकल इज नॉर्मल व्हेन एक्स इक्वल जीरो. हाँ व्हेन पार्टिकल इज एट द मीन पोजिशन. ओके वन थिंग एट अ टाइम. व्हेन पार्टिकल इज एट द मीन पोजिशन. ओके एंड प्लीज अंडरस्टैंड डेल्टा डज नॉट चेंज, इट्स अ कॉन्स्टेंट. ये बस स्टार्टिंग में किधर था उससे डिपेंड करता है. तो अगर टी इक्वल टू जीरो, वो भी बोला है टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल अगर मीन पोजिशन पे था और अगर वो पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है तब उसका फेज जीरो है, यानी कि उसका डेल्टा भी जीरो है. ओके सिमिलरली समरी वन ऑफ यू इज ट्राइंग टू फिगर आउट फेज फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, यू कैन डू दैट. हैड आई The answer to all of these questions, यहाँ पे जो भी question मैंने पूछा है, ठीक है? The answer to all of these questions can also be delta. I can also ask you just find delta, provided I tell you कि all of this was at t equal to zero. Delta is phase at t equal to zero. Unless I mention that, you can't find delta. You are just finding phase. Delta is initial phase. T equal to zero वाला फेज, ठीक है? यहाँ पे फेज निकला है. अगर मैंने इधर T equal to zero लिखा होता, फिर ये डेल्टा का आंसर होता. अब समझा? I didn't give time. I gave please be clear between these differences. So in this chapter, whenever I use capital T is going to denote time period. Time period constant होता है SHM के लिए. वो बोलता है कि हर ऑसिलेशन के लिए पाई सेकेंड लगता है. दैट इज टाइम पीरियड, अ कॉन्स्टेंट. दिस इज टाइम, दिस इज अ वेरिएबल, दिस चेंजेस, दिस इंक्रीजेस. ओके टी इक्वल टू जीरो मीन्स द स्टार्टिंग इंस्टेंट. अगर तब ये सारे कंडीशंस दिया है और तब फेज इतना आता है तो तब जो फेज है उसको हम डेल्टा बोलेंगे. ओके It's not very complicated. You know how to find phase. If they add the line at t equal to zero, then understand ki jo bhi tumne phase nikala t equal to zero pe, wohi delta hai. Yeah, I hope you're done with this. There were just four lines on this page, five lines, six. Okay. So, can you try this question? Okay, now. Take time, apply everything you know, and attempt. Particle starts from, I think it's not very clear, x, some positive x, t equal to zero, with a velocity of 5, positive 5. Ye bhi acche se likhani hai. 10 seconds later, almost I couldn't read it. 10 seconds later, it passes through the mean position for the first time with a speed of 10 meters per second. So 10 seconds later, it passes through the mean position for the first time with speed of 10 meters per second. Find its omega, find its time period. Find delta. Write its equation. Omega a delta आने के बाद ही तुम equation लिख पाओगे. Equation होता है a sin omega t plus delta. कोई भी order में find कर सकते हो. It's up to you to figure out किस order में things will come. Omega a delta. Parth, hold on. Is your answer correct? Your answer is not correct. Look at where the particle is starting from. It's not mean position to mean position. Us case mein tera sahi hota hai. Deep se kahin start kar raha hai.
डेल्टा इज नॉट माइनस फाइव बाई टू. ओके आई गिव एन गिव एन हिंट. ओके चलो हिंट ये है, हिंट ये है, ओमेगा का डेफिनेशन इज डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. दैट्स द हिंट. यानी कि ओमेगा इज फाइनल फेज माइनस इनिशियल फेज अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. तो कैन यू फर्स्ट डू दैट? कैन यू फिगर आउट, सम हाउ फिगर आउट टी इक्वल टू जीरो पे क्या फेज है, यहाँ पे क्या फेज है? ठीक है, फिगर दोज आउट. वहां से तुम चेंज इन फेज बाई चेंज इन टाइम निकाल के ओमेगा निकाल दो. वो निकालोगे तो वो निकालते वक्त डेल्टा भी निकल जाएगा और वो निकालने के बाद एम्पलीट्यूड भी निकल जाएगा. दैट्स योर हिंट. वेरी नाइस. ये किसका आंसर है? शुभम एंड सानिध्य. दैट्स करेक्ट. तन्मय आई थिंक, जस्ट गिव मी अ मिनट. या ओमेगा इज करेक्ट. एम्पलीट्यूड जस्ट चेक, एक्चुअली मिस्टेक हुआ है. दिशा ओमेगा सही है, एम्पलीट्यूड सही है, बट फेस कॉन्स्टेंट. तन में सही है दिशा, फेस कॉन्स्टेंट यू हैव टू चेक. इज दैट अ सिली मिस्टेक? बिकॉज ओमेगा एम्पलीट्यूड सही है तो डेल्टा भी सही आना चाहिए. ओमेगा 10 पाई बाई
थ्री में ही है. शुड आई डिस्कस दोज़ हू हैव नॉट येट गॉटन इट? डेल्टा 240 डिग्रीज नहीं है. 240 सी क्रॉस चेक योर आंसर्स. 240 डिग्रीज इज सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट. सो एक्स इज नेगेटिव देयर. एक्स वाज पॉजिटिव. वेलोसिटी आंसर हैज टू बी फर्स्ट क्वाड्रेंट. एक्स इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव. मतलब आंसर तो इनिशियल फेज तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है. डेल्टाज आंसर हैज टू बी बिटवीन 0 एंड 90. ऋग्वेद से ही है. वन ऑफ इज आस्किंग सर एट टी इक्वल टू जीरो इज द पार्टिकल गोइंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम और मीन. कैन यू फिगर दैट आउट विद दिस? लुक एट द साइन ऑफ वेलोसिटी. सो अनलेस आई मेंशन वी इक्वल टू फाइव मतलब पॉजिटिव फाइव. सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव. दैट मीन्स इट इज गोइंग टुवर्ड्स, इट इज ऑन द पॉजिटिव साइड एंड इट्स फर्दर गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम. तो ऐसा मोशन है पार्टिकल का. वो यहां से बीच से कहीं पे स्टार्ट कर रहा है. एक्स पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब ये और आगे बढ़ेगा. मतलब एक्सट्रीम पोजीशन के पहले है, आगे बढ़ के एक्सट्रीम पोजीशन क्रॉस करके फिर मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा. ओके, सो ओमेगा इज नॉट वेल. सो आई लेट्स डिस्कस दिस. ठीक है, आई थिंक आई शो द सॉल्यूशन. So, I am told that at t equal to 0, x is positive, v is 5. X is positive, v is 5. I am told at t equal to 10, put down whatever you know. T equal to 10, x is 0. And actually, I don't need to think about the velocity, but I know ki the speed is 10. Speed is 10. Now, that's a big clue. Okay, I have written velocity as minus 10 because particle is going to, you know, if it's already on the positive side, when it's going to cross the mean position, it will be headed in the negative direction. It's already at some positive quadrant. When it's crossing the mean position, it will cross headed for the negative direction. So, वहाँ से मैंने लिखा है velocity is minus 10, but that was not a critical deduction. What was more important is realizing अच्छा speed बताया गया है कि speed is 10. Speed तो होता है mean position पे a omega. I hope everyone knows that, you know? A omega cos phase. Cos phase is 1 at the mean position. The speed is A omega. It may be positive, it may be negative based on whether you're going towards positive or negative x. But speed is A omega and speed is 10. Matlab A omega is 10. So, ye ek equation hai hamare paas. Now, you have velocity, you have A omega, you have some information about x. With all of this, you can easily figure out the phase at t equal to 0 and t equal to 10. Dono mein individually phase nikal do. Zero wala phase, wohi thoda sochna tha. Zero wala phase, velocity hai 5. Velocity ka formula hota hai a omega cos phase. Yahan pe acche se a omega diya tumhe 10. The 5 is 10 cos phase. Yani ki cos phase is half. Acute solution of this is 60 degrees, pi by 3. Okay, then analyze the quadrant. X is positive, velocity is positive. This is clearly first quadrant. The delta is therefore, so phase, okay, with that phase is, one second. First quadrant, wahan se pata chalta hai ki phase is pi by 3. And then the phase at t equal to 0 is delta. So, ye jo bhi pi by 3 wala answer aa gaya, initial phase jo aa gaya, wo hi apna delta ban gaya. So, delta is pi by 3. Delta is pi by 3. Now, one of you is asking, sir, why isn't A omega minus 10? So, I'm not sure what do you mean. I mean, A and omega are two positive numbers. Their product cannot be minus 10. A and omega, two positive numbers, no? So they can't be minus 10. And I was careful enough to say ki speed is 10. When the particle crosses the mean position, its speed is 10.
So again, there also I'm talking about the magnitude itself. Speed is a omega, speed is 10. Velocity hota hai plus minus 10 ya plus minus a omega. Aage badh raha hoga to plus a omega, piche ja raha hoga to minus a omega in itself is the magnitude. Max speed that a particle can have. Okay, so I know ki acha phase is pi by 3 at t equal to 0. Initial phase ko delta bolte, so delta is pi by 3. Exactly, yes, Sarthak, exactly. Yeah. Very nice. Now, yahan pe t equal to 10 pe, okay, t equal to 10 seconds pe you can plug in this value. So you can say minus 10 is 10 cos phase, wahan se cos phase minus 1 aayega, and we know cos is minus 1 at pi, waisa bhi kar sakte ho, but utna bhi karne ka zarurat nahi, ye to humne rata hai na, ki jab particle mean position pe rehta hai, tab do phase hota hai, both by wo diagram dekha hai, positive ki taraf ja raha hai to 0, lot raha hai matlab pi by 2, to wahi to scene hai yahan pe, hai na, lot raha hai to pi, extremes pe pi by 2, but lotte waqt pi, hai na, so, we should know ki the phase at this point is pi. Sine ke graph se bhi dikhta hai, when it crosses the origin, phase is pi. Or you can also visualize the motion and say, array when it's crossing the mean position, 0, 90, 180. So it's crossing at 180. So t equal to 10 pe, we know ki our phase is 180. So now, you know phase at 0, phase at 10. Yahan se omega ka definition se omega nikal do. Omega is phase kitne se change hua upon time kitne se change hua. Rate of change of phase, yaad hai? Haan? So phase change hua pi minus pi by 3 se time change hua 10 seconds se. Pi minus pi by 3 is 2 pi by 3 divided by 10 is 2 pi by 30, which is pi by 15. Okay? Pi by 15. Okay, one last time. Please remember first the standard phases that we have seen. Standard phases were taught a long time ago. This time, this yahan pe. Standard phase yaad karo. Zero phase pe particle mean position pe hai, positive side ki taraf ja raha hai. Na, pi by 2 is plus a pe, positive extreme. Pi is again mean position, negative side ki taraf. And then negative extreme is 3 pi by 2. Yes, Gaurav, yes. And always even, that's why visualize the sine graph as well. You know, you should be able to visualize that question. Particle aisa positive x se start karke, uska aur positive direction mein ja raha hai, so it's moving like this. The first time it crosses the mean position, x equal to 0 will be at whenever the sine graph crosses the axis, matlab pi. So it's going from some acute angle to pi. Jitna sine graph ka command hoga na, utna acha SHM, utna matlab strong tumhara SHM hoga. Okay, so amplitude therefore is 10 by omega. Amplitude is max a omega is 10, upar hi established kiya, so 10 by omega, wahan se 150 by pi a gaya. Wo sab aane ke baad, x a sin omega t plus delta mein a substitute kar lo, omega substitute kar lo, delta substitute kar lo. Okay, so all those who really did this on your own, very nice, yeah, good job. Good. MP, I will always use MP for mean position, EP for extreme position. We're going to use that terms often, so just remember that abbreviation. All right. For mean position, we could have used A equal to... you're to symbol ki baat kar rahe kya? As a symbol, to bol rahe, A equal to 0. Achha, another equation. Yes. Yes, so yeah, whenever it crosses mean position,
अगर किसी को कॉस से दिक्कत है मेन पोजीशन पे, ए जीरो तो छोड़, एक्स जीरो है, एक्स जीरो कब कब होता है, जीरो और पाई पे होता है ना, सो यू शुड रियलाइज कि आइदर फेज इज जीरो और पाई, ए तो ठीक है, इवन सिंपलर देन ए, एक्स इज जीरो, साफ साफ साइन ग्राफ जीरो कब है, जीरो पाई, ट्राई टू फिगर आउट वेदर इट्स गोना बी जीरो और पाई, इन दिस केस इट स्टार्ट्स एट एन अक्यूट एंगल, सो द नेक्स्ट अकरेंस ऑफ जीरो एक्स इज पाई, बट यू आर राइट, एक्सेलरेशन के इक्वेशन से भी एस्टैब्लिश होगा कि जीरो या पाई होना चाहिए, दैट्स करेक्ट, ऑलराइट। Yes, Gaurav, yes, yes. And if omega is given. Okay. Now, come on, guys. 8:45 क्यों जाना है? थोड़ा और, let's, थोड़ा और stretch करते हैं. Okay? Maybe not too much. I won't stretch too much, but थोड़ा और. Okay, so f is c minus kx. Yes, f is c minus kx. So now, this, so far we have seen equations where f is minus kx. Question is, agar minus kx ke upar maine ek naya, ek extra constant dal diya. Okay, to minus kx ke alawa ek extra constant dal diya. Will it still be an SHM? Okay, so will it still be an SHM? For instance, hum log bol rahe ki apna jo ye spring block system tha, spring block natural length pe hai. तो उसके कारण स्प्रिंग के कारण फोर्स माइनस के एक्स होता है ना, स्प्रिंग के कारण फोर्स माइनस के एक्स होता है, मान लो मैंने उसके ऊपर एक ऐसा फोर्स डाल दिया सी, कांस्टेंट फोर्स डाल दिया, तो क्या ये भी एसएचएम होगा, है ना, बिकॉज नाउ फोर्स इज बिकम सी माइनस के एक्स, इज दिस स्टिल गोइंग टू बी एन एसएचएम, एंड द आंसर इज इट्स स्टिल गोइंग टू बी एन एसएचएम, ओके, इट्स स्टिल गोइंग टू बी एन एसएचएम, लेट्स प्रूव दैट. So, what we will do is, C and K are some constants. C can be written as K times X naught, where X naught is some other constant. X naught ko define kiya C upon K. So, C ko likh sakte K into X naught. X naught koi to constant hai. Aur aisa C ko likh ke, hum C ko yahan pe substitute kar sakte hai uske jagah pe. Ab jab ye aisa likhenge C ko, then we can suddenly realize ki yaar isme I can take minus k common, and when I take minus k common, my force equation looks like this, minus k x minus x naught. Now this is basic coordinate geometry, okay, yeah, even maybe relative displacement say you can visualize ki x minus x naught actually means displacement of the particle from x naught. X minus x naught means displacement of the particle from x naught. I hope you guys understand that. ये मेरा origin है, मान लो ये x naught है, this is x, ठीक है, this is x, this is x naught. Very nice, आप coordinate भी आता है तुम्हें. X minus x naught is like as if the origin is shifted to x naught. It means x coordinate relative to x naught, or in physics ka language, it means displacement with respect to x naught. ठीक है, displacement with respect to x naught. And ठीक है, अब यहाँ पे कोई पूछ रहा है, why did I take c like this? I took c like this so I can write it in this form, because unless I write it in this form, I cannot prove it's an SHM. When I write it in this form, you all of a sudden get to see ki force is proportional to displacement, but now it's not displacement from x equal to zero, it's displacement from x equal to x naught. And because force is proportional to displacement from some fixed point, this has to be an SHM. Okay, this has to be an SHM. So therefore, yahan pe main kya likh raha hu, इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे. देयरफॉर एक्स माइनस एक्स नॉट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स नॉट, देयरफॉर एफ इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्स नॉट,
And therefore, this entire thing is that of an SHM about mean position x naught. The entire equation is that of an SHM about mean position x naught. Okay. So when a constant is added, therefore, when a constant force is added, couple of things happen when a constant force is added. First, it's still an SHM. The entire thing is still an SHM. If it was an SHM before, अभी भी SHM रहेगा. ठीक है, it's still an SHM. दूसरा चीज है, mean position shifts, MP shifts. To the new equilibrium position. Okay, MP shifts to the new equilibrium position. What do I mean by new equilibrium position? Equilibrium कहाँ पे होगा इस equation में? कहां पे इक्विलिब्रियम होगा? x नॉट पे. वेरी नाइस. सो x इक्वल टू x नॉट इज इट्स नॉट जस्ट द मेन पोजीशन ऑफ द SHM, इट्स आल्सो द इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है, इफ यू आर थिंकिंग द वर्ड्स मीन द सेम, दे डोंट एक्चुअली मीन द सेम. मेन पोजीशन ऑफ एन SHM मतलब किस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करता है. इक्विलिब्रियम पोजिशन टेक्निकली मीन्स कहाँ पे फोर्स जीरो है, कहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है. बट क्योंकि SHM हैज जीरो एक्सेलरेशन एट द मेन पोजिशन एंड इक्विलिब्रियम पोजिशन बिकम द सेम. इक्विलिब्रियम पोजिशन तुमने लॉज ऑफ मोशन में सीखा, जहाँ पे फोर्स जीरो होता है. मेन पोजिशन हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं. सो मेन पोजिशन इज द पॉइंट वेयर एक्सेलरेशन इज जीरो. ऑलराइट, सो मेन पोजिशन शिफ्ट्स टू द न्यू इक्विलिब्रियम पोजिशन. Yash, that's a topic for the end of this chapter. Yeah, you'll have to keep that on hold. Mean position shifts to the new equilibrium position, which is x equal to zero, x equal to x naught. So, ये इसके about oscillation होता है when you add a constant force. X equal to x naught. अब ये x naught क्या अजीब सा चीज़ है? तो यार, it actually x naught is जो भी नया force तुमने add किया ना. This is that by k. Okay. But if you see in this equation, k does not change. पहले SHM का जो equation था ना, वो k change नहीं होगा when I add c. So it still has the same k. K is the same, and if k is the same, m being the same, omega will be the same. So k m fir k upon m ka root omega fir frequency time period ye sab change nahi hoga. K m omega frequency time period do not change. These will not change. Yes, this is c by k. If anything is not clear, just let me know. Equilibrium position, yes. Equilibrium position matlab force zero. Laws of motion से equilibrium means force zero or acceleration zero.
Sir, if we add a varying force, then the upcoming equation must not be, if you have add a varying force, then it's not going to be an SHI. Equilibrium position is the point where F is zero, yes. And simple see baat hai, क्या हाउ एक्स नॉट सी मैंने लिया एक्स नॉट को सी बाई के मैंने सी को एक्स नॉट को डिफाइन किया वैसे ताकि मैं इसको ऐसा क्लब कर पाऊं तो इसमें इफ यू डिडंट गेट हाउ दीज आर कांस्टेंट ना के के इज नॉट चेंजिंग आई होप यू सी वी हैव रिटन फोर्स इन टर्म्स ऑफ द सेम के फिर ओमेगा का ओमेगा इज रूट के बाय एम अगर के चेंज नहीं होगा मास चेंज नहीं होगा ओमेगा चेंज नहीं होगा वी आर अज्यूमिंग द मास ऑफ द पार्टिकल जिस पे ये फोर्स लग रहा है द मास ऑफ द ब्लॉक वी आर नॉट चेंजिंग दैट वो चेंज हुआ तो एम चेंज होगा But that's a different thing. That, you know, that's not relevant to this information. Force add करने के कारण mass change नहीं होता. ठीक है? तो ये force add के करने के कारण k change नहीं होता है. Therefore mass change वैसे भी force पे depend नहीं है. और k और m same रहा तो omega same रहेगा. Omega directly relates with time period and frequency. Omega same है तो t same है. T same है तो frequency same है. Omega is 2 pi by t. T is 1 upon f. So if k is same and m is same, omega f and t also become, also stay the same. Okay? Okay, so I'll just give you an example to make you understand ye, you know, in simpler, through an example, you'll get the idea. So let's consider a vertical spring block system. Okay? Let's take, filal, let's take x equal to 0. As corresponding to the natural length, okay, NAT length. Natural length पे अगर block होता था, spring के natural length पे block जहाँ पे होता था, उसको x equal to zero लेंगे फिलहाल, ठीक है? तो अब क्या है? मान लो block उससे extended है नीचे की तरफ by an amount x. Block पे दो force लगेगा. एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा के एक्स और एक उस ब्लॉक का वेट लगेगा नीचे की तरफ एम जी सो व्हेन आई टेक द डाउन एंड लेट्स टेक द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव एक्स ठीक है तो फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकम्स एम जी माइनस के एक्स व्हाट बेस्ड ऑन व्हाट वी लर्नड ऑन द प्रीवियस पेज इज दिस गोइंग टू बी एन एस एच एम Is this going to represent an SHM? Yes. About which point is this going to represent an SHM? Mg by x equal to mg by k. हाँ. कैसे देखो? फिलहाल ये SHM का equation दिखता नहीं है. ठीक है? Force should be proportional to something, some displacement. तो इसको हम ऐसा लिखेंगे. ठीक है? ठीक है तो इसको ऐसा लिख लो के एम जी बाई के माइनस के एक्स ऐसा लिखो एम जी को और फिर माइनस के को कॉमन ले लो सो देन यू कैन राइट दिस एज एक्स माइनस एम जी अपॉन के एक्स माइनस एम जी अपॉन के सो नाउ ऑल ऑफ सडन फोर्स सीम्स टू बी प्रोपोर्शनल टू displacement from this point so this becomes our mean position what is our mean position x equal to mg by k could I have figured that out of course where will the block be in equilibrium
ना ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम के लिए, यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, इक्विलिब्रियम के लिए एक्स नॉट हैज टू बी एम जी बाई के. सो वॉट डिड वी लर्न इन द प्रीवियस पेज, इक्विलिब्रियम पोजिशन कौन सा होता है, एम जी बाई इक्विलिब्रियम पोजिशन बिकम्स योर मीन पोजिशन फॉर दी एस एच एम. तो इक्विलिब्रियम पोजिशन इस केस में क्या है, एम जी बाई के. ना ब्लॉक, इफ यू हैंग अ ब्लॉक फ्रॉम अ स्प्रिंग, द स्प्रिंग वुड बी एक्सटेंडेड बाई एम जी बाई के. वो इक्विलिब्रियम पोजिशन से तुम जितना नीचे ब्लॉक को खींचोगे उसके प्रोपोर्शनल है ना, वो इक्विलिब्रियम पोजिशन से तुम जितना नीचे ब्लॉक को खींचोगे उसके प्रोपोर्शनल यू विल एक्सपीरियंस अ रिस्टोरिंग फोर्स. उसके प्रोपोर्शनल यू विल एक्सपीरियंस अ रिस्टोरिंग फोर्स. व्हेन विल दैट फोर्स बी जीरो, एट द फोर्स विल बी जीरो एट द न्यू इक्विलिब्रियम पोजिशन. सो दिस शोज की दिस represents an SHM not about the natural length but about the equilibrium position. मतलब laws of motion, Newton's laws of motion से ये निकाला जाता है. SHM वगैरह भूल के, temporarily भूल के laws of motion से देखो equilibrium में है ना, what would the equilibrium extension be, if the block has to come to rest where would it come to rest, वो निकाल दो. उसके about ये SHM करेगा. So represents an SHM about x equal to mg by k, that is the equilibrium position. This is, it is not an SHM about the natural length position. It's not an SHM about the natural length position. Copy this. Equilibrium position is when force is zero. चलो यार, वी आर डन फॉर द डे. फाइन, ऑलराइट, वी आर डन फॉर द डे. थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. हैव अ नाइस डे. गुड नाइट. वी आर डन इन स्कूल. Yes, Ayushman. Yes. Bye. Good night. I'll give you now some homework from the HCV, and we'll of course we'll continue this. Yeah, I'll give you some reading work as well. Please do that. I think HCV has written this chapter quite beautifully. Chalo. Good night. Bye.